भारत के चार मठ और उनका महत्व। दोस्तों, हिंदू धर्म में चार मठों का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सनातन हिंदू धर्म आज इन्हीं मठों से जिंदा है, और जो आज इस धर्म की इतनी मान्यता है यह इन्हीं चार मठों के कारण है। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा धर्म गुरु का पद होता है, जो कि हर धर्म में होता है। हिंदू धर्म में इस पद का प्रारंभ गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था, जो कि एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने चार मठों के अलावा पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की थी। बता दें कि हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इनको भगवान शंकर का अवतार और हिंदुत्व के सबसे महान प्रतिनिधियों में से एक माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए भारत की चार दिशाओं में चार मठ स्थापित किए, इसीलिए वो चारों मठों के प्रमुख कहे जाते हैं। उन्होंने ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में मठों की स्थापना की थी। इन मठों की स्थापना करने के बाद आदि शंकराचार्य ने अपने चार प्रमुख शिष्यों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी। तब से ही इन चारों मठों में शंकराचार्य पद की परंपरा चलती आ रही है, और इन चारों मठों के चार शंकराचार्य बनाए जाते हैं। अब यदि आप मठ का सही अर्थ नहीं जानते तो आपको बता दें कि मठ का मतलब ऐसे धार्मिक संस्थानों से है जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, दीक्षा, दंड व उपदेश आदि देते हैं। बता दें कि ये चारों मठ ईसा से पूर्व 8वीं शताब्दी में स्थापित किए गए थे, जो कि आज भी चार शंकराचार्यों के नेतृत्व में सनातन परंपरा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और हर शंकराचार्य गुरु को अपने जीवन काल में ही सबसे योग्य शिष्य को अपने मठ का उत्तराधिकारी बनाना होता है, और इस तरह शंकराचार्य ने इन मठों की स्थापना के बाद उनके मठाधीशों की भी नियुक्ति की, जो स्वयं बाद में शंकराचार्य कहे जाने लगे। ये चार मठ देश के चार कोनों में है। चलिए तो जानते हैं कि ये चार मठ कौन कौन से हैं और किस जगह पर स्थित हैं। लेकिन जानने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी ही कई सारी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला मठ है ज्योतिर्मठ, जो कि उत्तरांचल के बद्रीनाथ में स्थित है। यहाँ दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद गिरी, पर्वत एवं सागर संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है। ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य त्रोटकाचार्य बनाए गए थे, और वर्तमान में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी इसके 44वें मठाधीश हैं। ये मठ ऐतिहासिक तौर पर सदियों से वैदिक शिक्षा तथा धर्म और जीवन संबंधी ज्ञान का एक केंद्र रहा है, और इस मठ के अंतर्गत अथर्व वेद को रखा गया है। इस मठ की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने की थी, और इसका महावाक्य अयमात्मा ब्रह्म है। दूसरा मठ है गोवर्धन मठ। ये भारत के पूर्वी भाग में ओडिशा राज्य के जगन्नाथपुरी में स्थित है। इस मठ का सीधा संबंध भगवान जगन्नाथ मंदिर से है। गोवर्धन मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ के प्रथम मठाधीश पद्मपाद हुए, जो कि आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य थे, और वर्तमान में इसके 145वें मठाधीश निश्चलानंद सरस्वती है। बता दें कि इस मठ के अंतर्गत बिहार, राजमुंद्री, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश तक का भाग आता है, और इस मठ का महाकाव्य प्रज्ञा नाम ब्रह्मा है तथा इसके तहत ऋग्वेद को रखा गया है। इसके बाद तीसरा मठ है श्रृंगेरी मठ, जो कि दक्षिण भारत के रामेश्वर में स्थित है। इस मठ के पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर थे, जिनका पूर्व नाम मंडन मिश्रा था, और वर्तमान में इसके 36वें मठाधीश स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ है। ये मठ कर्नाटक के सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक है। इस मठ का महाकाव्य अहम ब्रह्मास्मि है। बता दें कि इस मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती तथा पूरी संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उक्त संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। और आखिरी यानी चौथा मठ है द्वारिका मठ, जो कि गुजरात के द्वारिका धाम में स्थित है। इसे शारदा मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दीक्षा लेने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम संप्रदाय नाम विशेषण लगाया जाता है, जिससे उन्हें उस संप्रदाय का सन्यासी माना जाता है। इस मठ के पहले मठाधीश हंसता मलक थे, जो कि आदि शंकराचार्य के प्रमुख चार शिष्यों में से एक थे, और वर्तमान में इस मठ के मठाधीश स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती है, जो कि इस मठ के 89वें मठाधीश है। बता दें कि इस मठ का महाकाव्य
तत्वमासी हैं और इसके तहत सामवेद को रखा गया है। तो दोस्तों ये थे हिंदू धर्म के चार मठ। हिंदू धर्म में इन्हीं चार मठों से गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है और इन चार मठों के संतों को छोड़कर किसी और को अपना गुरु बनाना हिंदू संत धारा के खिलाफ है। हिंदू धर्म में जो भी दीक्षा लेते हैं इन्हीं मठों के गुरुओं द्वारा दी जाती है। बता दें कि इन चारों मठों के अतिरिक्त भी भारत में और भी कई मठ हैं, लेकिन वो मठ मानव द्वारा उनकी इच्छा से निर्मित हुए हैं, ना कि वैदिक ईश्वरीय परंपरा अनुसार। इसलिए इन मठों का अधिक महत्व नहीं होता है। शंकराचार्य पद की लालसा में लोगों ने अपने मठ स्थापित कर लिए और अपने नाम के आगे शंकराचार्य भी लगाने लगे, लेकिन वास्तव में भारत में यही चार मठ हैं जो वैदिक ईश्वरीय परंपरा अनुसार बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।